doesn't like surprise. मैं भी उसमें बाकी नहीं हूँ. इवन मुझे भी सरप्राइजेस बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब कोई ऐसी सरप्राइज मिले जो हम सोच रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है पर उसमें से कुछ और ही निकल जाए. तो आज बनाते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज वाला ब्रेड, स्टफ ब्रेड. इसके लिए पहले मैं स्टफिंग तैयार करूंगी. एक पैन को गरम करते हैं और उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑलिव ऑयल. बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डालना है. इसको थोड़ा गरम होने देते हैं. तब तक मैं चॉप करती हूँ गार्लिक. थ्री गार्लिक शुड बी फाइन. गार्लिक इज डन इन द पॉट. बस इसको 2 मिनट सौते करेंगे. ये इंडियन कुकिंग नहीं है कि जिसमें हमें गार्लिक को बहुत अच्छे से भून के रेड करना है. गार्लिक का हल्का सा कच्चापन निकल जाए बस उत्तर तक ही पकाना है. ये हल्का सा वाइट ही रहेगा. इट्स डन. नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग इन ऑल द वेजिटेबल्स. हियर गोज अनियन. इसको भी हल्का सा सौते करना है. इट जस्ट दैट इट शुड बिकम लिटिल टेंडर बिकॉज वैसे भी ये बेक होने वाला है. देयर इज एनी बिग चंक्स जस्ट ब्रेक इट लिटिल और थोड़ा सा अनियन को स्वेट कर देंगे. मीनवाइल आई विल जस्ट ऐड सम प्री बॉइल्ड कॉर्न, ये हल्का सा नमक. एक्चुअली हमें इसके अंदर चीज भी ऐड करना है, तो जस्ट वॉच योर नमक. दिस इज ऑल डन. विल स्टार्ट पुटिंग पनीर एंड कलर बेल पेपर्स. जस्ट डोंट हैव टू फॉलो कि मैंने यही डाला है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं. जस्ट लास्ट सम चिली फ्लेक्स. आई नीड स्पाइसी फूड. मिक्स हर्ब. आप अगर इसको इंडियन बनाना चाहे तो कोई इंडियन मसाला भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक पनीर टिक्का मसाला या एनी अदर मसाला. इवन दैट मैटर गरम मसाला ऑल्सो विल डू. एंड लास्ट चीज. एवरीथिंग इज जस्ट बेटर विद चीज. दिस इज डन. गैस को कर देते हैं बंद और इसको रख देते हैं एक साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए. स्टफिंग को मैं थोड़ा सा स्टर कर देती हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि चीज जो इसमें डाला है वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है कि नहीं. और जो मैंने आपको कैल्जोन की रेसिपी में एक वर्सेटाइल डो बताया था कि वो डो से आप कुछ भी बना सकते हो, हम वही डो यूज़ कर रहे हैं ये स्टफ ब्रेड बनाने के लिए. इनफैक्ट आई कैन से सरप्राइज ब्रेड बनाने के लिए. तो ये डो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है और मैंने इसको इक्वल 2 पोर्शंस में सेपरेट करके रखा है. सो आई जस्ट टेक 1 पोर्शन ऑफ दिस. हल्का सा ऑयल वाला हाथ करूँगी मैं ताकि डो चिपके नहीं मेरे हाथ पे. और इसको हाथ पे ही थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए आप. यू नो दिस इज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू मेक कचोरी और गुजिया और समथिंग लाइक दैट. हाउ यू फील इट जस्ट सेम लाइक दैट वे. इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और ये जो यम्मी स्टफिंग बनाई है स्ट्रेट इनटू द डो. बहुत अच्छे से डालिएगा बड़ा स्पून ताकि जब भी बाइट लो कोई भी बाइट खाली नहीं आना चाहिए. जस्ट सील इट प्रॉपरली. और मेरे पास ऑलरेडी ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे तैयार है. आई स्ट्रेट अवे पुट इट ऑन टू दैट. जहां से हमने इसको सील किया है वो साइड नीचे जाएगी ताकि ब्रेड खुल ना जाए. और अब मैं इसको रख दूंगी ढक के कहीं ऐसी जगह पे, वार्म सी जगह पे ताकि ये प्रूव हो जाए. तो इसको रहने देते हैं बस 10 मिनट के लिए. एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट इनटू ओवन. स्टफ ब्रेड बन प्रूव होके बिल्कुल तैयार है. द लास्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज जस्ट विल ड्रिजल सम ऑयल. जनरली ब्रेड के ऊपर या ऐसे बन के ऊपर एग वॉश होता है, उसकी वजह से एक बहुत अच्छा उस पर गोल्डन कलर आता है.
बट हम एग यूज नहीं कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट ड्रिजलिंग सम ऑयल सो दैट ये ड्राई ना हो जाए. इफ यू डोंट वॉन्ट ऑयल यू कैन ऑलवेज ड्रिजल सम मिल्क एज वेल, बट ऑयल का लस्टर अलग ही होता है. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खसखस डाल रही हूँ. इट विल गिव नाइस टेक्सचर ऑन योर बन एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू गो इन टू अवन, जिसको मैं प्री हीट करके रखूंगी. इसको बेक करेंगे अराउंड 180 डिग्री एंड इट विल टेक अराउंड 30 to 35 minutes. सो इट्स नाउ बेकिंग टाइम. ऑलवेज इन द मिडिल रैक. आई थिंक स्टफ ब्रेड बेक होके बिल्कुल तैयार है, बिकॉज ये जो स्मेल मेरे पूरे किचन में फैल गई है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ही रेडी होंगे. एक बार चेक करके देखते हैं. वाओ, जस्ट लुक एट दिस कलर एंड इट इज सो परफेक्टली बेक्ड. गोल्डन ब्राउन कलर ऑन द टॉप. वाओ, इट्स डन. इसको कर देते हैं बन. तो चलिए इसकी करते हैं बहुत अच्छी सी प्लेटिंग. ब्रेड बन को करते हैं सर्व. मेरे पास है एक प्यारा सा वुडन प्लैंक. एक्चुअली आई लव दिस रस्टिक फीलिंग. तो इसको करेंगे हम कट ताकि इसका स्टफिंग भी दिखे. सो आई जस्ट टेक इट लाइक दिस एंड आई जस्ट कट इट इन द हाफ. वाओ, कैन यू जस्ट सी दिस? इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. ब्रेड आउटसाइड, द फुल वेजिटेबल स्टफिंग इन द मिडल. है ना सरप्राइज? मेरे पास थोड़ा मेयोनीज है यहाँ पे एंड हल्का सा स्पून आउट कर दीजिए और उसके ऊपर रखेंगे फ्रेश कोरिएंडर. द सेम ऑन द अदर साइड आल्सो. सो यम्मी अमेजिंग सी सरप्राइज तैयार है आपके लिए. If you have liked my recipes, I'm sure that you have loved my recipes. So, please like, share and don't forget to subscribe only on Meghna's Food Magic.